जय हिंद प्यारे साथी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अभी के अपने YouTube परिवार में। दोस्तों आज एक बहुत अच्छी अपडेट के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ और वो है दोस्तों ITBP टेलीकम्युनिकेशन की फुल डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुकी है। आप ITBP ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसको डाउनलोड करके डिटेल जानकारी चेक कर सकते हो। इसके पहले वाली वीडियो में दोस्तों ITBP कम्युनिकेशन के जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको मैंने बताया था और वाकई में दोस्तों ये जो ITBP कम्युनिकेशन की जॉब है हेड कांस्टेबल CM की तुलना में बहुत ही लगभग सेम है और बहुत अच्छी जॉब इसको मैं मानता हूँ। तो साथियों चलिए आपको फिर एक बार ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड करना है और डिटेल जानकारी दोस्तों चेक कर लेना है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों ITBP कम्युनिकेशन की ये 2024 की नई भर्ती है और इतनी बड़ी वैकेंसी इससे पहले एक साथ नहीं आई थी जिसमें आपका सब इंस्पेक्टर का भी वैकेंसी इसमें इंक्लूड है। आपको बता दूँ दोस्तों इसका ऑनलाइन जो आवेदन करने का डेट है वो आपका चालू हो जाएगा कल से, यानी 15 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कोशिश करना है दोस्तों सबसे शुरू में अप्लाई करने का, क्योंकि लास्ट में आपको साइट हैंग होने के कारण या साइट सर्वर बिजी होने के कारण आप अप्लाई नहीं कर सकते, उससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। अब दोस्तों इसकी थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं कि देखिए ITBP सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपकी जो सीटें है वो टोटल 92 वैकेंसी यहाँ पर खुली है। इसी के साथ साथ हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए सबसे अच्छी सीटें यानी 383 सीटें यहाँ पर आपकी खुली है और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी आपकी यहाँ पर वैकेंसी खुली है। सब इंस्पेक्टर के आपके लिए जो एज ग्रुप एज क्राइटेरिया मांगा गया है इसमें आपका 20 से 25 साल, हेड कांस्टेबल के लिए आपका 18 से 25 साल होना चाहिए और कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए आपका यहाँ पर 18 से 23 साल होना चाहिए, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज एज छूट भी मिलेगा तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल आप इसमें प्लस कर सकते हो। अब दोस्तों आपको बता दूं इसका जो एज क्राइटेरिया के बाद आपको इसका फिजिकल का भी थोड़ा सा क्राइटेरिया मैं बता देता हूं। तो देखिए इसमें आपका जो ये सब इंस्पेक्टर का फिजिकल होगा टेलीकम्युनिकेशन के लिए वो आपका 100 मीटर का ओनली आपका रेस होने वाला है, जिसमें आपको 16 सेकेंड का समय मिलने वाला है। तो सब इंस्पेक्टर के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि केवल आपका 100 मीटर का ही रेस यहाँ पर होगा और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए यहाँ 1.6 किलोमीटर का यहाँ पर यानी 1600 मीटर का रेस आपको होगा, जिसमें आपको 7.5 मिनट का समय मिलने वाला है और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी इसका जो समय है वो सेम है, यानी 1600 मीटर का रेस आपको जो कि 7.5 मिनट में क्वालिफाई करना है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपका इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप भी मांगा गया है, जिसमें आपका 11 फीट का तो लॉन्ग जंप हो गया और आपका हाई जंप दोस्तों 3.5 फीट का है, जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। कोशिश करना है दोस्तों पहले ही प्रयास में आप इसको क्वालिफाई कर लीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करके आपको जो इसका PDF है इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके आप इसमें डिटेल जानकारी पूरी डिटेल से पढ़कर इसमें अच्छे से फॉर्म फिलअप करते समय पूरी सावधानी बरतें और एक एक पूरा चेक करने के उपरांत ही फॉर्म को सबमिट करें। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये नई अपडेट अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो के साथ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।